सो आज हमारा चैप्टर जो है सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, दैट इज शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा पार्ट टू जो है, सेकंड जो बुक है, दैट इज फॉर कंपनी। तो हमारी बुक का जो नाम है, दैट इज अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। तो अब हमारा जो कोर्स है वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। कैसे? प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग हम कर चुके हैं, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग भी हम कर चुके हैं, एनपीओ अभी हमारा रह गया। उसके बाद जो अकाउंटिंग आती है, दैट इज फॉर नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस एंड द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस, दैट इज कंपनी। कंपनी के अंदर वी हैव टू टाइप्स ऑफ कंपनीज, एक होती है प्राइवेट कंपनी और एक होती है पब्लिक कंपनी। तो यहाँ पे जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो पब्लिक कंपनीज के बारे में होने वाला है, लेकिन हम पढ़ेंगे दोनों कंपनीज के बारे में। तो ऐसा करते हैं, जब हम अकाउंटिंग फॉर कंपनीज पढ़ ही रहे हैं, तो सबसे पहले कंपनी के बारे में हमारा डिस्कशन होना मैंडेटरी है। हमें पता होना चाहिए कि कंपनीज होती क्या है, ठीक है, और कैसे ये अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस से अलग है। तो सबसे पहले, व्हाट इज अ कंपनी? तो एज पर लॉ, सबसे पहली चीज, एक कंपनी को कंपनी कहलवाने का, कहने का हक कौन देता है? एक कानून देता है, ठीक है, और उस कानून का नाम है कंपनीज एक्ट 2013, 1956। अर्लियर इट वाज 1956, 1956 एबॉलिश करके 2013 बन गया, 1956 खत्म हो गया। तो एक बिजनेस को कंपनी कहने का जो राइट देता है वो ये लॉ देता है, उस लॉ का नाम क्या है? कंपनीज एक्ट 2013। और ये लॉ कहता है, एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस लॉ इज कॉल्ड अ कंपनी। कहता है, अगर कोई भी बिजनेस, कोई भी एंटिटी की इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेटेड मतलब क्रिएशन, उत्पन्न, क्रिएट होना, बनाना, जिसकी क्रिएशन इस कानून के आधार पे, इस कानून के प्रोविजंस को फॉलो करते हुई हो, तो उस बिजनेस एंटिटी को हम कंपनी का नाम देते ठीक है। तो पहली चीज ये याद रहे कि कोई भी बिजनेस को कंपनी तब कहा जाएगा जब इस लॉ के अंदर उसकी इनकॉर्पोरेशन करी गई हो, ठीक है, इसको बनाया गया हो इस लॉ के अकॉर्डिंगली, ठीक है। उसके बाद इसने कहा फीचर्स ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी के फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। सो फीचर्स ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी के अंदर क्या क्या अलग फीचर्स हैं, क्या जो इसको और बिजनेस फॉर्म से डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक है, इसकी आइडेंटिटी को सेपरेट रखते हैं। द फर्स्ट थिंग इज, हालांकि तो बुक के अंदर जो सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स हैं, जो फीचर्स हैं, वो अलग है, यहाँ हम थोड़ा सा अलग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। आर इन सेपरेट हैंड्स। इसका मतलब क्या है? ऑनरशिप, मालिकाना हक। मैनेजमेंट, जो बिजनेस को मैनेज करते हैं वो लोग, कहते हैं आर इन सेपरेट हैंड्स। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ऑनर्स और मैनेजर्स के बीच में डिफरेंस है। हर बिजनेस के अंदर जो ऑनर होता है उसका वही बिजनेस को मैनेज कर रहा होता है, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप फर्म हो। मैनेजमेंट कंट्रोल एज्यूम्ड होता है कि उन्हीं के हाथ में, लेकिन यहाँ पे जो है ऑनरशिप जो है कंपनी के अंदर वो शेयर होल्डर्स के पास होती है। अभी शेयर होल्डर्स कौन है? दीज आर दी ओनर्स ऑफ दी कंपनी, जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, पैसा देते हैं, मतलब ये पैसा देने वाले लोग हैं, कंपनी चलाने वाले लोग नहीं है, ठीक है। मैनेजमेंट किसके हाथ में होती है? मैनेजमेंट
इन्हीं लोगों द्वारा कुछ लोग सिलेक्ट करे जाते हैं जिनको हम बोलते हैं डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स जो डायरेक्शन दे, तो कंपनी को जो डायरेक्शन देते हैं कैसे चलेगी, तो मैनेजमेंट इन लोगों के हाथ में होती है। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, जब हमें पैसा चाहिए तो वी कैन क्रिएट शेयर होल्डर्स। हम शेयर्स मार्केट में इशू करते हैं, पैसा वहां से कलेक्ट कर सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं है उनका मैनेजमेंट में भी हस्तक्षेप हो, उनकी इन्वॉल्वमेंट हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। वो राइट्स रखते हैं उसको इन्फ्लुएंस करने के, उसको अफेक्ट करने के, लेकिन उसको डायरेक्टली प्रभाव नहीं कर सकते। डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो मैनेजमेंट के पास होती है, ठीक है। वो सिर्फ उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बाय वोटिंग, वोट करके। तो यहाँ पे ऑनरशिप और मैनेजमेंट दो अलग अलग लोगों के हाथ में थे, सबसे अच्छा फीचर इसका। तो इससे क्या होगा, सपोज मैं एक प्रोप्राइटर हूं, अब मुझे पैसा चाहिए, अगर मैं किसी से भी लूंगा, लोन नहीं लेना चाहता, तो किसी से भी लूंगा तो कहेगा यार बिजनेस में मेरी ऑनरशिप दे दे, ऑनरशिप बढ़ जाएगी, वो पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं चाहता हूँ मेरी मेरे बिजनेस के अंदर डिसीजंस मेरे ही हो, लेकिन पैसा लोगों का लग जाए, तो आई शुड मेक अ कंपनी। मुझे पैसा लगवाना है, मुझे उनको, ठीक है, डिसीजंस के अंदर इन्वॉल्व नहीं करना, तो इन दैट केस आई विल मेक अ कंपनी। आई विल नॉट गेट इनटू पार्टनरशिप बिजनेस और प्रोप्राइटरशिप, आई विल मेक अ कंपनी। प्रोप्राइटरशिप में तो एक ही ऑनर होता है, तो वहां पे तो आप पैसा बोरो कर सकते हो, वहां पे शेयर होल्डर्स वाला केस नहीं होता। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। देखिए, लीगल का मतलब है लॉ। लॉ ने एक कंपनी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी के रूप में आइडेंटिफाई करा है, रिकॉग्नाइज करा है। तो ये क्या कहता है, कहते हैं द आइडेंटिटी ऑफ अ कंपनी, ऑफ अ कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। तभी कहा जाता है द मेंबर्स, द लाइफ ऑफ अ कंपनी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द लाइफ ऑफ द मेंबर्स। Members may come and go, but the company goes on forever. ठीक है, तो ये जो phrase है ये company के लिए बना है कि अगर members नहीं है तो generally partners नहीं है, partner expire हो गया firm बन, proprietor expire हो गया firm बन, ठीक है। In that case existence जो firm की है उनके owners से होती है, लेकिन यहाँ पर उसके members या owners से नहीं है, company की एक अपनी identity है, ठीक है। The members may come and go. मैं मतलब आज की date में अगर रिलायंस के जो मेंबर्स हैं या कोई भी किसी भी कंपनी के, टाटा के कोई मेंबर्स हैं, अगर वो इस दुनिया में नहीं रहते तो उनकी कंपनी जो है वो रहेगी, ठीक है, कंपनी वही स्टेबल होकर काम कर सकती है। द मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। अब देखिए, अगर हमें कोई भी एसेट एक्वायर करनी है, इन दैट केस क्या होता है, वो हम अपने नाम पे खरीदते हैं, पार्टनरशिप के नाम पे खरीद सकते हैं। उनके पीछे लायबिलिटी जो किसकी होती है, वो उनके ऑनर्स जो पीछे, जैसे प्रोप्राइटरशिप के केस में ऑनर की लायबिलिटी होती है और पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स की लायबिलिटीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक गाड़ी खरीद रहा हूँ लोन पर, अगर मैं वो लोन नहीं चुकाता तो प्रोप्राइटर जो है मैं हूं, तो मुझसे पैसे की रिकवरी होगी, ठीक है। या फिर अगर पार्टनरशिप है, अगर पार्टनरशिप फर्म नहीं चुका सकती तो इन दैट केस पार्टनर्स विल पे। लेकिन यहां पर एक और फीचर है, दैट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। एक कंपनी को कंपनीज एक्ट ने कहा है कि इट इज ट्रीटेड एज अ पर्सन, लाइक अ पर्सन, लाइक अ ह्यूमन बीइंग हैज सम काइंड ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो अ कंपनी हैज इट्स राइट्स, ठीक है। तो इट इज ट्रीटेड एज अ पर्सन इन द आई ऑफ लॉ। जैसे एक पर्सन साइन कर सकता है, ऐसे एक कंपनी भी साइन कर सकती है थ्रू इट्स स्टैम्प्स। इट इज ट्रीटेड एज अ पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। अब इसको आर्टिफिशियल पर्सन क्यों बोला गया, पर्सन का मतलब व्यक्ति, आर्टिफिशियल मतलब बनावटी,
इसको दैट इज मैन मेड पर्सन, दैट इज क्रिएटेड बाय लॉ, क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है। ये गॉड का क्रिएचर नहीं है, नेचुरल क्रिएचर नहीं है, ये आर्टिफिशियल क्रिएचर है। तो इसको एज अ पर्सन ट्रीटमेंट दिया जाता है। देयरफोर इट कैन स्यू और कैन बी स्यूड इन इट्स ओन नेम। आप समझे इस बात को कि एक कंपनी अपने नाम पर केस फाइल कर सकती है और कंपनी के नाम पर केस फाइल होता है। अगर कोई भी इश्यूज होते हैं हम उसके मेंबर्स को, ठीक है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी ने मेंबर्स को और कंपनी में एक दीवार खड़ी कर दी कि मेंबर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपनीज एक्ट, ठीक है, अंटिल एंड अनलेस इट इज प्रूव्ड दैट इट इज द फॉल्ट ऑफ मेंबर्स डायरेक्टली। तो कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल है, उसके मेंबर्स नहीं है। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट सपोज किसी कंपनी का खराब लगता है, हमें किसी कंपनी के अगेंस्ट कोई कंप्लेन है, तो उस कंपनी में कंप्लेन होगी, उसके मेंबर्स के खिलाफ कंप्लेन नहीं होगी, उस कंपनी की हम कंप्लेन करेंगे। सपोज मेरा ये फोन सैमसंग का खराब हो जाता है, तो इन दैट केस मैं सैमसंग बुक में की कंप्लेन करूंगा, मैं उसके किसी भी सर्विस सेंटर के एम्प्लॉय की कंप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। तो एंड वन मोर थिंग, एंड अ कंपनी कैन एक्वायर अ कंपनी, जैसे एक पर्सन अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, ऐसी कंपनी कैन एक्वायर प्रॉपर्टी ऑन इट्स ओन नेम, ऑन इट्स ओन नेम, ठीक है। तो ये जो राइट्स हैं, ये जो चीजें हैं, ये एक पर्सन की तरह हम कंपनी को ट्रीट करते हैं, इसलिए उसके लिए भी ये प्रिविलेज है हमारे, हम लॉ देता है। अब उसके बाद आते हैं फोर्थ पॉइंट, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी क्लॉज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लॉज आजकल की डेट में। ये तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, विजय माल्या, ठीक है, एंड वो नीरव मोदी आर द एग्जांपल्स, आई हैव टेकन द बेनिफिट्स ऑफ दिस क्लॉज। ये लिमिटेड लायबिलिटी क्लॉज जो है ये शेयर होल्डर्स के बेनिफिट्स के लिए। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं ऑनर्स। अगर कंपनी में इतना पैसा ना हो कि वो अपना उधार चुका पाए, किसी भी बिजनेस में इतना पैसा ना हो वो अपना उधार चुका पाए, तो ऑनर को कैसे भी करके वो पैसा चुकाना पड़ता है, चाहे वो अपना घर बेचे। तो इस चीज से बचने के लिए यहां पर इतने सारे भी सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन और लिमिटेड लायबिलिटी को मिला के ये एडवांटेज मिल जाती है। वो क्या? अगर कंपनी कोई उधार चुका नहीं पा रही तो मेंबर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बिकॉज दे आर ट्रीटेड एज डिफरेंट पर्सन्स। अब ये क्लॉज जो है मेंबर्स के ऊपर एक ऑब्लिगेशन भी देता है, बेनिफिट तो देता ही देता है, ऑब्लिगेशन भी देता है। और वो ऑब्लिगेशन क्या है? ये कहता है लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर या लायबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ to the extent of amount unpaid on its shareholdings। ये लाइन कहती है अगर आपने कोई शेयर लिया हुआ, उस पर कोई पैसा बचा हुआ है, तो वो बचा हुआ पैसा आपको देना पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। ये लिमिट्स है, इससे ज्यादा कंपनी आपसे नहीं मांग सकती। मतलब अगर आपने 100 रुपए का शेयर लिया और 80 रुपए आप दे चुके हैं, तो आपको 20 रुपए देना है। अब लॉस होने पर तो ज्यादा भी देना पड़ जाता है, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी क्लॉज ने शेयर होल्डर्स को बचा लिया, ठीक है। ये रहे शेयर होल्डर्स, ये रही बीच में लिमिटेड लायबिलिटी की दीवार, ठीक है। ये लिमिटेड लायबिलिटी की दीवार जो है इसने शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट कर लिया, किससे? एक्सेस लायबिलिटीज, ऐसी लायबिलिटीज जो कंपनी पे ही नहीं कर पा रही। तो ये जो एक्सेस लायबिलिटीज है ये शेयर होल्डर्स तक पहुंच नहीं पाएंगी, ये यहीं पे रुक जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये लिमिटेड लायबिलिटी कहती है अगर शेयर होल्डर ने जो पैसा देना है बचा हुआ सिर्फ वही देगा, उससे ज्यादा आप मत रिकवर करो। मतलब अगर उसने 100 रुपए का शेयर लिया, उसने 100 रुपए दे दिए, तो वो घर आराम से ऐसे करके बैठे, ठीक है, उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। सो दिस लिमिटेड लायबिलिटी क्लॉज प्रिवेंट्स शेयर होल्डर्स, ठीक है।
मतलब कंपनी इंसॉल्वेंट होती है तो कंपनी इंसॉल्वेंट है, मेंबर्स इंसॉल्वेंट नहीं है, लिमिटेड लायबिलिटी भी लग गया, सेपरेट लीगल एंटिटी भी लग गया, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन भी लग गया, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स के लिए, और ये गवर्नमेंट ने लॉज जो है लॉ मेकर्स ने ये देखते हुए कंपनी की इनकॉर्पोरेशन को वैलिडिटी दी है, वैलिडेट करा है, अगर उनको लगता है नुकसान के लिए। जैसे पहले जो कंपनीज आती थी दैट वॉज अनलिमिटेड कंपनीज, जिसमें क्या होता था पैसा लेते रहो लोगों से और उसके बाद बंद हो जाए तो शेयर होल्डर्स परेशान। शेयर अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता था, कंपनियां डूब गई उसके बाद शेयर होल्डर्स बेचारे पैसा दे दे के थक जाते थे, ठीक है। एंड एक और चीज दैट इज हाँ जी, द फिफ्थ पॉइंट इज कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या है, सील यहां पर होता है, लोग वैसे स्टैंप वर्ड से आप शायद समझ जाएं, ठीक है। स्टैंप क्या होता है, स्टैंप अगर किसी चीज पे मेरी स्टैंप लगी हुई शिक्षा एट स्कॉलर्स की, तो इन दैट केस वो डॉक्यूमेंट जो बिलोंग किससे करते हैं, शिक्षा एट स्कॉलर से बिलोंग करते हैं, इसकी ऑथेंटिकेशन है। तो ऐसे ही सील वर्ड जो सिर्फ स्टैंप नहीं है, सील क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट, जैसे आपने सीबीएसई के जब पेपर देने जाते हैं तो वहां पे जो है सील लग के आती है, ठीक है, वहां पे सीबीएसई, ठीक है, डॉटेड डॉटेड सीबीएसई लिखा होता है, तो दैट इज द सील ऑफ सीबीएसई, जो इंडिकेट करती है कि ये शीट जो है सीबीएसई ने छपवाई हुई है। तो ऐसा कोई भी मार्क जो होता है, एक कंपनी का अपना एक सिग्नेचर होता है, ठीक है, सिग्नेचर मार्क होता है, तो वो इंडिकेट करता है कि ये डॉक्यूमेंट्स कंपनी ने ऑथोराइज करे हुए, ये वैलिड ट्रू डॉक्यूमेंट्स हैं। तो कॉमन सील जो है इट ऑथेंटिकेट्स, the documents related to the company, कोई भी document है अगर उस पर company की seal है, a kind of stamp हो गया, या कोई ऐसा mark है, या seal करा हुआ हमने उस पर document में, कोई ऐसा mark डाला हुआ है जो indicate करता है ये इसी company के valid documents हैं, duplicate documents नहीं है, ठीक है। And सबसे ज्यादा अच्छी चीज ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप या ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। यहां पे आप अपनी ऑनरशिप को ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे मेरे पास शेयर्स है मैंने किसी और को बेच दिए, किसी और के पास है उसने किसी और को बेच दिए, इट इज इजी। लेकिन कुछ कंपनीज में रिस्ट्रिक्शन होती है, जिनको हम प्राइवेट कंपनीज बोलते हैं, वहां रिस्ट्रिक्शन है, वहां आप इजिली ट्रांसफर नहीं कर सकते अपने शेयर्स, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज क्या होती है, वर्ड प्राइवेट मींस अनलिमिटेड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, तो वो अपने आजू बाजू के लोग होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, अननोन नहीं होते। हम आपस में कुछ लोग मिलके पैसा डालते हैं कंपनी के अंदर, ठीक है, उस बिजनेस के अंदर, और उसको कंपनी क्रिएट करते हैं, और वही लोग शेयर होल्डर्स रहते हैं, और ट्रांसफर शेयर को ट्रांसफर करने में कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है, हम बिना परमिशन के ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लेकिन जनरली कंपनी का फीचर है कि आप अपनी ऑनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं, ए ऑनर है उसने बी को अपना शेयर भेज दिया तो बी ऑनर हो गया, सी को भेज दिया सी ऑनर हो गया, डी को भेज दिया डी ऑनर हो गया, तो वो डॉक्यूमेंट एक ट्रांसफर करे जा सकते हैं, ठीक है। दीज वर द सिक्स इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कंपनी, ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर याद रहे, पार्टनरशिप के अंदर शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफर। शेयर्स क्या होते हैं, आप अपना शेयर जो है किसी और को देंगे तो पार्टनर्स ने ऑब्जेक्शन कर दी तो आप नहीं दे सकते। एंड पार्टनरशिप के केस में अगर आप अपना शेयर जो है किसी और को देते हैं तो फर्म ही रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है, मतलब पुरानी फर्म क्लोज, न्यू फर्म स्टार्ट, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे आप सिंपली अपने शेयर आप किसी को भी ट्रांसफर कर देते हैं। सबसे बड़ा फायदा क्या है इसमें, ऑनरशिप मैनेजमेंट अलग है, कोई अगर ऑनर बन भी जाता है तो मैनेजमेंट में उसका इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं रहता, अंटिल एंड अनलेस उसके पास कोई सब्सटेंशियल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स ना हो, और वो पावर्स आती है बहुत ज्यादा शेयर्स होने से, जैसे 51% शेयर्स, 30-40-50% शेयर्स किसी की कंपनी के अंदर अगर मेरे हैं तो मेरी वहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आ जाती है मेरे पास, ठीक है। इसको